बोल सगळं जरा लवकर ये फास्ट. चलो चलो लवकर चलो फास्ट. चल आले का? अरे मुले तर काय कमाले, कुठे गेले बाकीचे? आता तर होते कुठे गेले मुलं? जॉईन होत नाही का? चला आले तर लवकर लवकर ये, नंतर पुन्हा येतील मध्ये. ठीक आहे, येतील नाही येतील त्याचं सोडून द्या. आपण आता कंटिन्यू करू, कंटिन्यू ऑन इथे बघा काय करता येईल. लक्षात येईल काय तुम्ही काय बोला जॉईन होत आहे का? मग आता आपली इथे चालू होती राईट आहे 1.2 मध्ये काय मुलं लय असतील ते सगळे बघा. तर स्कॅनिंगचे दोन एक्झाम्पल्स मी सांगितलं होतं मला वाटतं. तुम्ही केले ना पहिले दोन क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 मध्ये पहिले दोन क्वेश्चन तुमको सॉल्व करने के लिए दिया था मैंने. यस व्हाट अबाउट रिमेनिंग स्टूडेंट्स? आई थिंक उनको सॉल्व करने पूजा का दो गया और कोई नंदिनी लोकेश फयस एंड पार्थ. यस मनाली यस और कोई? यस सर श्रेय आगे. ठीक है फिर अपन आगे कंटिन्यू करेंगे. फिर दो क्वेश्चन अगर से तुम्हारे इसमें से हो गया हमें तो हम अभी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 है. इसका क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3 से ना. क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि tan थीटा इज इक्वल टू एक्सरसाइज 2.2 के पहले दो क्वेश्चन तुमको मैंने दिया था सॉल्व करने के लिए. बहुत से स्टूडेंट बोल रहे कि सॉल्व हो गया. ठीक है हो गया तो बहुत अच्छी बात है. नहीं अगर से वहां किसी का तो बाद में बोलो अपन लास्ट में उसको सॉल्व करेंगे. ठीक है कल पहले स्टार्ट करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 मध्ये काय पहिला क्वेश्चन कि इफ tan थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 कॉमा इवैल्यूएट इवैल्यूएट करने का है वैल्यू है 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा डिवाइड बाय 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा इज इक्वल टू
और उसको इवैल्यूएट करने का है। उत्तर सकते क्या बोलो, tan थीटा की वाला है, tan पे से हमको क्या निकालने का है, साइन और कॉस निकालने का है। तो कैसे निकालेंगे मालूम है किसी को, जस्ट टेल मी नाउ, जस्ट बताओ कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू, सबको मालूम है क्या बोले, साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस के लिए साइन क्यों आ टैन के लिए वाला जी हाँ टैन थीटा इज इक्वल टू वन बाय, ठीक है साइन बाय कॉस टू क्या बेटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा बचे sin theta 1 cos theta 2 आ सका, नाही तसा होणार नाही, बघा तर कसं करते tan theta असेल तुम्हाला sec solution मिळते, sec square theta is equal to किती 1 plus tan square theta, आणि अँगल काय सांगितलं की त्यांनी क्वेश्चन नंबर 3 मध्ये अँगल कुठे राहतो नाही 1 by 2 म्हणजे तुम्हाला कळायला पाहिजे, हा पहिल्याच क्वाड्रंट मध्ये आहे ना, 1 by 2 म्हणजे काय हाफ म्हणजे पॉझिटिव्ह आहे, tan theta जो आहे पॉझिटिव्ह म्हणजे पहिल्या क्वाड्रंटला आहे आणि हाफ म्हणल्यावर कमी व्हॅल्यू म्हणल्यावर पहिल्या क्वाड्रंटला आहे, त्यावर काय असतं तुम्हाला रिलेशन माहिती आहे, पहिले तीन जर तुम्हाला सांगितलेलं प्रूफ करू, साइन स्क्वेअर थीटा प्लस कॉस स्क्वेअर थीटा इज इक्वल टू वन, दुसरा रिलेशन सेक स्क्वेअर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस टॅन स्क्वेअर थीटा, तर तिसरा रिलेशन आहे कोसेक स्क्वेअर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वेअर थीटा, असे तीन रिलेशन तुम्हाला माहिती आहे, तर दुसरा रिलेशन चा वापर करून पहिल्यांदा मी सेक काढणार, सेक आला तर मला काय भेटणार कॉस आणि कॉस आला तर मला काय भेटणार साईन, सेक स्क्वेअर थीटा किती आला वन प्लस वन बाय टू स्क्वेअर म्हणजे आला वन प्लस वन बाय फोर क्रॉस केलं तर चार प्लस एक पाच बाय चार हे आला सेक स्क्वेअर थीटा, तर देरफोर सेक थीटाची व्हॅल्यू किती आली प्लस ऑर मायनस अंडर रूट ऑफ फाय बाय टू, तुम्हाला सांगा सेक थीटाची व्हॅल्यू प्लस येणार का मायनस येणार, म्हणजे व्हॅल्यू सेक थीटा रूट फाय बाय टू, कारण हे प्लस मायनस आता पण हे कोणत्या क्वाड्रंट ला आता पहिल्या क्वाड्रंट मध्ये किती आला रूट फाय बाय टू, काय म्हणले एट बाय इलेव्हन पूरा आन्सर आहे का आखरी का, ठीक आहे देखील चेक करेंगे आपण, कोणी काय असं मालूम नाही मगर वन बाय वन जाणार पडेगा, पहिला आंसर कितना आ गया रूट फाइव बाय टू सेक थीटा, इट इज सेक थीटा, सेक का रेसिप्रोकल, सेक का रेसिप्रोकल क्या रहता है कॉस, तो देखो कॉस थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ दैट वन, सेक थीटा रूट फाइव बाय टू, तो कॉस थीटा इसका उल्टा टू बाय राइट, कितना आ गया टू बाय रूट फाइव, ये हो गया कॉस थीटा की हो गया कॉस थीटा, मिल गया रिलेशन के मालूम है तुमको क्या निकालेगा साइन थीटा, तो वी नो दैट क्या प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चार अपॉन रूट पांच साइज कर मिल गई पांच, क्रॉस करा पांच मोड चार मिल गई जाना वन बाय फाइव साइन स्क्वायर थीटा वन बाय फाइव साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस और माइनस की जाना वन अपॉन रूट फाइव, हा सुधा हा पूर्व अँगल पहिल्या क्वाड्रंट मध्ये राहत असल्यामुळे साइन थीटा जेवढी प्लस ही भेटणार म्हणजे किती आला प्लस चा वन बाय रूट फाइव, किती आला वन अपॉन रूट फाइव प्लस साइन थीटा आला, इथे कॉस थीटा भेटला आणि आपल्याला फक्त साइन आणि कॉस ची गरज आहे, सगळं जर आपण त्याच्यात ठेवून दिलं तर लास्ट आन्सर काय असेल बघा, तर लास्ट आन्सर विल बी देअरफोर टू साइन थीटा प्लस थ्री कॉस थीटा डिवाइड बाय 4 cos theta plus 3 sin theta is equal to सर्कुलेशन वैल्यू क्या क्या मिल जाएगी, sin theta की वैल्यू 1 by root 5 तो 2 into 1 by root 5 plus cos theta की वैल्यू 2 by root 5 divided by 4 into 2 by root 5 और sin theta की वैल्यू कितनी 1 by root 5, लास्ट का आंसर तुम देखेंगे तो लास्ट का आंसर क्या आएगा 2 बाय रूट फाइव, तीन दो सिक्स सिक्स बाय रूट फाइव, नीचे
पूरा क्वेश्चन बोर्ड पे है, किसी कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। Somebody have problem in that one, so they can ask me. Hey, किसी कुछ प्रॉब्लम कोई अड़चन? No problem. Yes. Again, no. What about remaining ones? किसी को भी नहीं है, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर चार। अब क्वेश्चन नंबर चार थोड़ा अलग तरीके से बताने वाला है, देखो उसको क्या कर सकते। क्वेश्चन नंबर चार के लिए फिर हमको वो तीन रिलेशन मालूम होगा, कौन सा फंडामेंटल आइडेंटिटी जिसको बोलते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू वन, दूसरी आइडेंटिटी मतलब सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और तीसरी आइडेंटिटी मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तीनों आइडेंटिटीज का यूज करके हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इलिमिनेट थीटा। धारण है क्या लोकेश? धारण का लोकेश? वाह ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। सर तुम्हारे क्या मतलब तीन रिलेशन मैट्रिक्स ना हो सके, पहला म्हणजे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, दुसरा म्हणजे सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा, तीसरा म्हणल्यावर कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हे तीन रिलेशन जर तुम्हाला माहित असतील, याला काय म्हणतात फंडामेंटल आयडेंटिटीज, हे जर तुम्हाला माहित असतील तर याचा वापर करून तुम्हाला काय करता येईल, क्वेश्चन नंबर चार आहे तो सॉल्व करता येईल। माझा क्वेश्चन नंबर चार मध्ये काय विचारलं आहे बघा, व्हॉट इज द क्वेश्चन नंबर फोर अँड व्हॉट इट इज आस्क्ड इन दॅट वन। काय क्वेश्चन तर इमेज थीटा फ्रॉम द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर चार आहे। पहला है x is equal to 3 sec theta, 1 by 1 बघू, एक एक करून आपण पुढे जाऊ। पहिल्या क्वेश्चन मध्ये त्यांनी क्वेश्चन काय नीट समजून घ्या, एक जर कळलं तुम्हाला बाकीचे विदाउट एनी हेल्प माझी तुम्हाला ते सॉल्व करता येईल, तर त्यामुळे व्यवस्थित बघा जरा कसं सॉल्व करता येईल। पहिल्या क्वेश्चन मध्ये x is equal to 3 sec theta, y is equal to 4 tan theta, तर इलिमिनेट थीटा म्हणजे थीटाला आपल्याला इलिमिनेट करायचं आहे, त्यामुळे म्हणजे जे काही इक्वेशन येणार, आता इक्वेशन हे व्हेरिएबल x y मध्ये, आता थीटा तुम्हाला कुठे दिसणार नाही, असं आपल्याला थीटाला काय करायचं, इलिमिनेट करायचं, म्हणजे त्याच्यातून काढून टाकायचं। कसे निकालेंगे ते बघू एकदम सिंपल, जसे की फॉर एक्झाम्पल कसे करेंगे, आपण सबसे पहिले वी हॅव x is equal to 3 sec theta और y is equal to 4 tan theta। मैं तो बोलूँ relation क्या में sec और tan में, क्या तुमको sec और tan का relation मालूम है क्या? Yes, we know that. What is the relation between sec and tan? बोलो दोनों में क्या relation है? दोनों में relation क्या है? Sec square theta is equal to 1 plus tan square theta. Right? तो ये होगा equation number 1। तो सबसे पहले therefore इसको से निकालो sec theta की value। क्या निकलती x by t और यहाँ से tan theta की वैल्यू क्या निकलती y by 4। तो ये जब हम sec theta की वैल्यू इसको निकालेंगे tan theta की, तो ये इक्वेशन नंबर 1 पर है, तो therefore 1 becomes 1 का हाल क्या हो जाएगा, देखो एक जो तुम रखेंगे तो एक का हाल हो जाएगा sec square theta, मतलब क्या
एक्सपायर बाय 9, ठीक है, इस पर थीटा मतलब एक्सपायर बाय 9 इज इक्वल टू 1 प्लस टेन थीटा, टेन थीटा मतलब कितना है y बाय 4, मतलब कितना y स्क्वायर बाय 16, इधर लिखो एक्सपायर बाय 9 माइनस y स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू 1। अब मेरे को बोलो ये इक्वेशन में कहीं तुमको थीटा नाम का प्राणी, थीटा नाम का कोई दिख रहा है क्या एंगल थीटा? कुछ नहीं दिख रहा है, पूरी इक्वेशन क्या है x y में, x स्क्वायर बाय 9 माइनस y स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू 1, ऑटोमेटिकली थीटा एलिमिनेट हुआ कि नहीं हो गया एलिमिनेट। तो इसमें क्या समझ में आया तुम्हारे, ये क्वेश्चन नंबर 4 को अगर से तुमको करने का है तो तुमको जो तो मैंने तीन रिलेशंस बताया फंडामेंटल आइडेंटिटीज, sec और cos का रिलेशन, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 sin cos का रिलेशन, उसके बाद में sec और tan का रिलेशन, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और cosec और cot का रिलेशन, cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। अगर से मालूम है तो ये क्वेश्चन तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो, इसमें से मैंने sec थीटा की वैल्यू निकाला और tan की वैल्यू निकाला और ये रिलेशन में रख दिया, ऑटोमेटिकली इक्वेशन फ्री फ्रॉम थीटा, इक्वेशन में कहीं थीटा दिख रहा है क्या? नहीं, थीटा नाम से प्राणी कोई दिशा लगा नहीं, ऑटोमेटिकली क्या झाला एलिमिनेट, इलिमिनेट मतलब काढून टाकले, हे इक्वेशन मध्ये थीटा आहे का? नहीं, हे झाला एलिमिनेशन ऑफ थीटा फ्रॉम दैट इक्वेशन। कळलं का? बोला आला का लक्षात? यस ऑर नो? यस, वेरी गुड। जन सारेला आहे त्यांना ज्यांच्या ज्यांचा आलाय त्या सगळ्यांचं अभिनंदन, बघा तो त्याच्यात ते काय जातो। आता तुम्ही जर सांगतील लाईव्ह जे समजा मी तुम्हाला म्हणलं क्वेश्चन नंबर 2 मध्ये x इज इक्वल टू x is equal to 6 cosec theta, y is equal to 8 cot theta, same आपको भी कौन सा रिलेशन मालूम है ना, cosec और cot का रिलेशन मालूम है ना, क्या है cosec square theta is equal to 1 plus cot square theta, cosec square theta is equal to 1 plus cot square theta, रिलेशन ऑफ आंसर हमने बोला था, we have same question। Your relation, cosec square theta is equal to 1 plus cot square theta. Yes, sir. So, cosec square theta. X by 6. Cot square theta becomes y by 8. Therefore, 1 becomes x square by 36 is equal to 1 plus y square by 18. Sorry. 64 कितना मिला x square by 36 minus y square by 64 is equal to बोलो आ गया समझ में, इन्वेंट होगी नहीं थीटा कैसे दिख रहा है क्या? अब ये इक्वेशन में कहीं तुमको थीटा दिख रहा है क्या? नहीं, थीटा क्या हो गया इसका से इलिमिनेट हो गया, मतलब ये पूरे इक्वेशन में से थीटा इलिमिनेट करते हैं हम, इक्वेशन क्या मिला है वेरिएबल्स x और y के फॉर्म में लेके आए, इसमें से थीटा नाम का प्राणी जो है वहां पे इलिमिनेट हो गया। बोलो आया समझ में, क्लियर है? Yes, correct, very good, nice, Gayatri, chan, very good, chalo, agle question ki taraf se, ab to mere ko karke batao, dekhen kitne log isko solve kar sakte ho, ab kya hai, maine question mein samjho, maine to question kisi bhi tarah formula bana ke, x is equal to 5 plus 6 cosec theta और y is equal to 3 plus 8 cot theta, even करो theta, theta को even करके बताओ जल्दी, eliminate theta from this equation first, झाला इलिमिनेट झाला का?
फास्ट कथक सिंपल था यू नो दैट सेम एक्स इक्वल टू फाइव वाई इज इक्वल टू थ्री यहां से तुम कोसेक थीटा क्यों निकालेंगे सॉल्व करके सिक्स कोसेक थीटा इज इक्वल टू एक्स माइनस पांच प्लस का माइनस हो जाएगा तो देयरफॉर एक्स माइनस फाइव बाय सिक्स कॉमा वाई और जाते एट कॉट थीटा इज इक्वल टू वाई माइनस थ्री cot theta is equal to y minus 3 by 8 ये आगे cosec की वैल्यू ये आगे cot की वैल्यू राइट तो अब इस तरह दो तीन का टर्म इक्वेशन वन बिकम्स इक्वेशन वन का क्या होगा अपॉन 36 वन प्लस कितना y माइनस तीन का स्क्वायर डिवाइड बाय 64 तो सीधे से इसको ले जाओ माइनस 64 इज इक्वल टू कितना होगा यहां तक करते भी चलेगा और अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है तो तुम इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो इफ यू इंटरेस्टेड देन यू कैन सॉल्व फर्दर भी कर सकते नहीं तो इसको यहां पे भी करेंगे तो बस बोलो आई आंसर ये स्टेट में बोलो आया क्या सबके सामने आ गया एकदम सुपर है कि नहीं है कि नहीं सिंपल के अब बोलो इसमें तो कौन सा क्वेश्चन करके बताओ मैंने तीन बताए जाए चौथे में से तुम बोलो कौन सा क्वेश्चन तुमको नहीं आएगा वो करके बता दो यस वेरी गुड ठीक है छान पण आता मला सांगा आता इमिजिएट जेवढे क्वेश्चन विचारले त्या क्वेश्चन मध्ये तुम्हाला कोणता क्वेश्चन चौथ्या मध्ये क्वेश्चन नंबर चार मध्ये टोटल पाच क्वेश्चन आहेत त्याच्यामध्ये तीन करून दिला सांग आता कोणता करून द्यायचा आहे शेवटचा एक दोन तीन शेवटचा करून देऊ पाचवा क्वेश्चन यस टेल मी नाउ कौन सा क्वेश्चन करके देने का तीन पांचवा क्वेश्चन नंबर पांचवा तीन बोला क्वेश्चन नंबर पांच सिंपल है ना पार आप क्वेश्चन सिंपल बना रहे हो सिंपल है काल चल है सिंपल है बस आगे तो सिंपल सरल सरल सोपे भाषा मध्ये रिलेशन कशा मध्ये टैन आणि सेक मध्ये तर टैन आणि सेक रिलेशन वापरा संपलं जास्त काही डोक्याला ताण नाही कसं काय आलो लक्षात दे या ठिकाणी वी हॅव वी नो दॅट टॅन आणि सेक रिलेशन आहे वी नो दॅट -2x/4 आला पुन्हा इथे या ठिकाणी
थीटा छह की मैं तुम्हारा कर दे इज इक्वल टू 3y माइनस 5 तो sec थीटा इज इक्वल टू 3y माइनस 5 डिवाइड बाय 3 चला tan की वैल्यू और यार sec की वैल्यू tan से काढले नंतर आता एक कशात ठेवायचं देखो इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स 1 मध्ये ठेवून द्यायचा वन मध्ये ठेवलं तर थीटा कुठे दिसणार का नाही म्हणजे ऑटोमॅटिकली थीटा काय झाला त्याच्यातून इलिमिनेट झाला म्हणजे बाहेर गेला इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स और कोई वेरी गुड सब लक्ष्य तू चले तो पूरे ठीक तो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या विचार लगा क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करते हैं तीन क्वेश्चन नंबर 5 इज आस्क्ड हियर सर इफ रिपीट कर लेते हैं ना और क्वेश्चन का इफ equal to 0. So find the permissible values of theta. Permissible values of theta. Theta is cos theta. Permissible means possible. परमिसिबल वैल्यू म्हणजे ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा कॉस थीटा पर कॉस थीटा चे परमिसिबल वैल्यू काय म्हणजे कॉस थीटा वैल्यू काय काय पॉसिबल आहे रिलेशन पूरा साइन मध्ये दर्शवू इच्छितात तर एकदम सिंपल होईल काय काय करते रिलेशन दे तर पहिले इक्वेशन आहे वी हॅव म्हणून साइन थीटा कॉमन करते वेक्टर क्यू ऑफ वेक्टर क्यू ऑफ वेक्टर क्यू ऑफ तो मला सांगा साइन थीटा ची जे वैल्यूज आहे तुम्ही ग्राफ मध्ये आपण पाहिले ग्राफ मध्ये ते साइन थीटा ची जे रेंज आहे ती रेंज किती आहे क्लोज इंटरवल माइनस वन टू वन एचयूल एक माइनस वन येणार झिरो येणार किंवा प्लस वन येणार बरोबर आहे एचयूल काय काय येणार असतं वन येऊ शकते झिरो येऊ शकते किंवा मायनस वन याच्या पलीकडे येणार का नाही बरं सांगा साइन थीटाची व्हॅल्यू आली मायनस थ्री बाय टू म्हणजे मायनस वन पॉईंट पाच मला समजून घ्या मायनस तीन बाय दोन म्हणजे मायनस वन पॉईंट पाच मला सांगा मायनस वन पॉईंट पाच साइनची व्हॅल्यू पॉसिबल आहे का नाही कारण साइनची मॅक्झिमम व्हॅल्यू जर पाहिली तर किती आहे वन मिनिमम व्हॅल्यू जर पाहिजे किती मायनस वन आणि मध्ये झिरो पण येऊ शकतो पण
जीरो पॉसिबल है, वन पॉसिबल है, माइनस वन पॉसिबल है, तो माइनस तीन बाय दोन माइनस वन पॉइंट पांच पॉसिबल है का नहीं। साइन चे जे दोन वैल्यूज आले तर आपण काय सांगतोय, सिंस काय सांगतोय की आपल्याला माहित आहे साइन थीटा कशात राहतो, मायनस वन टू प्लस वन, याला असं आपण लिहितोय क्लोज इंटरवल, किंवा तुम्हाला असं सांगतोय सिंस साइन थीटा बिलॉंग्स टू क्लोज इंटरवल मायनस वन टू वन असा लिहा, किंवा स्टँडर्ड वे काय त्याला क्लोज इंटरवल कसे ते साइन थीटा लेस देन इक्वल मायनस वन टू लेके प्लस वन, इसलिए देरफोर साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू माइनस थ्री बाय टू, साइन थीटा जो है माइनस वन से प्लस वन के बीच में रहता है इसलिए साइन थीटा की वैल्यू माइनस थ्री बाय टू नहीं रह सकती, इसलिए साइन थीटा की वैल्यू कितनी रह सकती है, जीरो, जीरो पॉसिबल है। अब साइन थीटा अगर से जीरो आया तो टेल मी नाउ, साइन थीटा अगर से कभी जीरो हो गया तो ये बोलो मेरे को कि साइन पे तो हमने ग्राफ देखे तो साइन कहाँ कहाँ पे जीरो है, साइन थीटा जीरो है मतलब साइन जीरो पे जीरो है, पाई पे जीरो है, टू पाई पे जीरो है, थ्री पाई पे जीरो है, जीरो पे, पाई पे, टू पाई पे, थ्री पाई पे, इधर से आ जाओ माइनस का पाई से, माइनस का टू पाई से, ये ऐसा तो पूरे पाई के फैमिली में क्या है, जीरो है, तो साइन थीटा अगर से जीरो है हम क्या बोलेंगे, देखो क्या बोलेंगे, देखो साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू कितना, एन पाई, थीटा इज इक्वल टू एन पाई, एट दैट एन बिलोंग्स टू जेड, इसमें तुमको थीटा की वैल्यू मिली साइन थीटा इज इक्वल टू एन पाई, तो हमको इस पे क्वेश्चन में क्या पूछा उसने, ये पूछ के कॉस थीटा क्या रहेगा पूछा उसने ना, परमिसिबल वैल्यू ऑफ कॉस थीटा पूछा ना, क्या पूछा, परमिसिबल वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, साइन थीटा की वैल्यू तुमको मान ली मिल गई थी, क्या मिली, थीटा इज इक्वल टू कितना, एन पाई, यहां पे इसके देखो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 है तो थीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा, एन पाई, तो एन बिलोंग्स टू जेड, इसका मतलब क्या है, एन तुम इंटीजर में से रखो प्लस 1 रखेंगे तो यहां पे पहले 0 रखेंगे तो साइन 0 0, एन के प्लेस पे 1 रखेंगे तो साइन पाई भी 0 आता, 2 रखेंगे तो 2 पाई भी 0 आता, 3 पाई रखेंगे तो 3 पाई भी 0 आता, मतलब साइन थीटा अगर से 0 है तो थीटा इज इक्वल टू क्या है, एन पाई, मतलब ये थीटा के प्लेस पे तुम पाई के मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी नंबर रखो उसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0, अभी साइन थीटा मिल गया हमको, मिल निकालेगा कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, देखो कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 और प्लस 1 मिलेगी, देखो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना, माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस वन, क्यों देखो अभी ये कैसे समझते हो, साइन थीटा की वैल्यू 0 है तो थीटा इज इक्वल टू कितना है, एन पाई, और दैट एन बिलोंग्स टू जेड, अब तुम कॉस में अगर से ये एन पाई रखेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, एन के प्लेस पे 1 रखेंगे तो कॉस पाई की वैल्यू तो माइनस 1, कॉस 2 पाई की वैल्यू कितनी, प्लस 1, एक तो माइनस 1 मिलेगी या फिर प्लस 1, ऐसे तुम आगे कितना भी जाओ तो माइनस 1 मिलेगी या फिर प्लस 1 मिलेगी, माइनस 1 मिलेगी, तो हमने क्या करें सबसे पहले ये साइन का रिलेशन यूज करके एंगल की वैल्यू निकाले, थीटा इज इक्वल टू कितना है, एन पाई, और ये एंगल हमने कॉस में रख दिए थीटा के प्लेस पे, तो कॉस में रखने के बाद वैल्यू कैसे आ रहे, एक तो माइनस 1 आ रहा है या फिर प्लस 1 आ रहा है, इसलिए आंसर क्या आएगा, प्लस और माइनस, कॉस थीटा के पॉसिबल वैल्यूज कितने, प्लस और माइनस 1 इज देयर, बोला अलग अलग सर, टेल मी नाउ कळला का सांगा का नाही कळला, यस खूप कमी मुलं हे सांगतात बाकीच्यांना कळत नाही का, व्हेरी गुड, अच्छा ठीक कळलं, बघा एकदा पुन्हा समजून घ्या, हा रिलेशन साइन मध्ये होता, तर पहिल्यांदा मी साइनची किंमत काढली, साइनचे दोन व्हॅल्यू झाली, एक आली साइन थीटा इक्वल टू 0 आणि एक आली साइन थीटा इक्वल टू माइनस 3 बाय 2, तर आपण स्पष्ट सांगितलं की साइन थीटा माइनस 3 बाय 2 शक्य नाही, पॉसिबल नाही, कारण का साइन थीटा कशात राहतो, माइनस 1 से प्लस 1 के बीच में, इसलिए ये वैल्यू पॉसिबल नहीं, तो साइन की कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, साइन थीटा इक्वल टू 0 पॉसिबल है, अब साइन थीटा इक्वल टू 0 है तो साइन सिर्फ 0 पे 0 नहीं रहता ना, साइन 0 पे भी 0 रहता, पाई पे भी रहता, 2 पाई भी रहता, 3 पाई भी रहता, कहां तक, n पाई तक, नेगेटिव साइन बोलो, माइनस का पाई, माइनस का 2 पाई, माइनस का 3 पाई, ऐसा कहां तक, माइनस के n पाई, सो इसलिए इसका सॉल्यूशन क्या मिला, थीटा इज इक्वल टू n पाई, इस पे हमने क्या निकाले, एंगल निकाले थीटा इज इक्वल टू n पाई, ये आया वाला एंगल देखो जिसको नहीं समझा, अभी मैंने यहां से साइन के से थीटा इज इक्वल टू n पाई में ये एंगल लिया, ये वैल्यू मैंने कॉस में रखा, तो जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल कॉस n पाई की जगह पे पहले n के प्लेस पे 1 रखे समझो, तो कॉस पाई की वैल्यू कितनी, माइनस 1, वही अगर से मैंने n के प्लेस पे 2 रखा तो 2 पाई की वैल्यू प्लस 1, फिर 3 पाई रखे तो माइनस 1, 4 पाई रखे तो प्लस 1, अल्टरनेट मिलेगा, इसलिए
थीटा निकालने के बाद ये थीटा की वैल्यू कॉस में रखने से एक की वैल्यू माइनस वन मिलती या फिर प्लस वन मिलती, इसलिए कॉस थीटा का आंसर कितना आया प्लस और माइनस वन। अब आया अच्छे समझ फिर से अच्छे समझे के बताया मैंने कि ये आया के साथ साइन का रिलेशन निकाल के हमने कॉस पे लगाया, इसलिए आंसर कितना है प्लस और माइनस वन इज देयर। ठीक है, क्लियर है, अब आया समझ में सबके, वेरी गुड। चलो फिर आप अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग लाइक टू बी क्लियर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इफ 2 cos square theta minus 11 cos theta plus 5 equal to 0, comma then find all possible values of cos theta, then find possible values of cos theta, then find ये क्वेश्चन सिंपल, ये क्वेश्चन बिल्कुल मी करून देणार अशी अपेक्षा ठेवू नका, कारण हा क्वेश्चन मध्ये काय फक्त फॅक्टर पाळायचा, 5 × 10 कॉस थीटा, 5 × 10 के फॅक्टर काय निघले इक्वल टू मायनस एक आहे, कितना ये बोलो उसके फैक्टर्स, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ दैट सॉल्व, माइनस 10 माइनस 1 होते इसके फैक्टर। देखो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है तो यहाँ पे 5 × 10 10 फैक्टर माइनस 10 माइनस